नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और आज हम पहुंचे हैं ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट में, पतवारी मंदिर के ठीक सामने। और आपको बता दें, कल रात को दो दुकानों में चोरी हुई है। और बात करेंगे, जानेंगे एक बार कि कैसे आए थे और क्या लेकर गए हैं। हमारे साथ नमस्कार बाबू जी, क्या नाम? महेंद्र कुमार सिंह। ये कैसे हुई है जी चोरी? इसका क्या पता लगेगा, हुई रात में क्या पता लगेगा। हम तो 8:30 बजे बंद करके चले गए थे। आपको 8:30 बजे सुबह आम जब खोली जब पता लगी। आज तो कोई तोड़ा ताड़ी कुछ नहीं, ऊपर से ही हुआ। तो छत से ही गई। ये जो 80-85 हज़ार रुपये थे कैश कैश हो गई। और उसके अलावा देखे हूँ तो 2-4 बैग देखे होंगे, बाकी बैगों को तो पता नहीं लगेगा। बैग इतने रखे हैं तो पता ही नहीं लग पाएगा उनका। नहीं और कुछ नहीं, कैमरा वैमरा नहीं लग रहा था। कैमरा नहीं, ऐसे ही कपड़ों की दुकान है। वो भी आपके भी है? हाँ जी, हमारी भी दुकान में कैश ही कैश चोरा हुआ है। सामान कोई भी नहीं है, ऊपर से ही आए हुए हैं। 3री मंजिल का गेट है, गेट टूटा हुआ है। हाँ, पूरा मुड़ा हुआ है वो, उसी में से आए हैं और सारा कैश लेके गए। गल्ले पूरे खाली है। बिल्कुल सिक्का भी, यहाँ तो एक आध सिक्का भी, ये देख रहे हैं, एक आध कोई सिक्का भी रहता है तो सिक्का तक नहीं छोड़ा। और ये पैरों के निशान है। ये अभी जो चद्दर, ये देख रहे हैं, ये आए हैं। और ये दोनों दुकानों में ऊपर से आए हैं। किधर से तोड़े थे? एक मिनट, ये दिखाते हैं आपको। ये दो दुकानें हैं और दोनों दुकानों में किस तरह से सातिर तरीके से, ये देख रहे हैं, ये इस दुकान में गल्ला, ये पेचकस ऐसे ही ऐसे ही, ये देख रहे हैं फरीदाबाद, ये पेचकस है। और ये पेचकस इसी तरह से, ये जैसे भी इसमें फंसा कर खोला है, तोड़ा है, गल्ला ही देख रहे हैं, वो वैसा ही लगा रहने दिया। और हाँ, वो पुलिस पुलिस बुला ली था आपने? ये देख रहे हैं बैग है और ये पूरा गल्ला खाली कर गए। तो दिल्ली जाना था। ये देखें, आपको दिखाएंगे ऊपर से भी कैसे आए और किस तरह से कैश लेके। हाँ, कैश लेकर, ये गेट है, कैश लेकर और फरार हो गए। अच्छा, ये है, ये है। और इधर से ही उस वाली दुकान में भी चले गए। समझ सकते हैं फरीदाबाद के किस तरह। अच्छा, ये यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ के और फिर इनके ऊपर इसमें ऐसे चढ़े हैं। और इधर कहाँ से आए हैं? ये देख सकते हैं। अच्छा, और इनके इधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए? ऊपर से ही है फरीदाबाद। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि वो ये जो बगल में वो है, क्या नाम इसका है, पार्क है, पार्क है बगल में। और पार्क के वहाँ दीवारों से चढ़कर और ये टीन पर चढ़कर इस तरह से यहाँ से आए। और सबसे पहले यहाँ ये गेट तो लोहे का है जी, इसका वो कैसे अंदर से तोड़ दिया फिर? अच्छा, तो गेट में जो गैप था, उस गैप से और ज्यादा कोई तोड़ा ताड़ी नहीं थी। और खोल कर सीढ़ियों से नीचे आए और नीचे आकर गल्ले से पैसे लेकर गए हैं। और इसके अलावा अगर एक आध बैग ले गए होंगे तो शायद नहीं पता, क्योंकि ये बैग की दुकान है, पूरी दुकान बैगों से भरी है। और ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर उनकी दुकान में भी ऊपर सीढ़ी से चढ़कर आए जीने से, और कुछ लेकर नहीं गए। ये देख रहे हैं उधर, जिस तरह से आपको हमने दिखाया था कि टीन से चढ़कर आए होंगे और वहाँ उनके उनकी सीढ़ी से वो जो गेट है पेचकस से तोड़ा। और उसके बाद ये ऊपर, ये
सीढ़ी से तोड़ा, ये देख रहे हैं, और उसके बाद जो हमने आपको दिखाई थी वहां से सीढ़ियां दिखाई थी, उन सीढ़ी से चढ़कर इधर आए, ये देख सकते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे, और वो फिर लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई है हाँ। उस पे से इस पे आए हैं, इसके बाद यहाँ चढ़े हैं, और उसके बाद ये वाला शटर तोड़ा है उन्होंने, गेट तोड़ा है लोहे वाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो एक बार बताएं कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। तो ये देख सकते हैं यहाँ ये जो लकड़ी की सीढ़ी लगी है, इससे चढ़कर यहाँ दीवार पे ऊपर चढ़कर आए हैं, और इसमें नहीं गए, पर इसमें तीन वो गए, इसमें उन्होंने कोशिश करी है, ये निशान बन रहा है, अच्छा हिल भी नहीं रहा है, ये हैवी है हाँ, बहुत हैवी है, तीन जगह से इसमें संकल है, तो इसलिए हिल भी नहीं रहा है ये। हमारे में एक संकल थी हाँ। तो वो जल्दी उन्हें सॉफ्ट टारगेट लगा, तो उसके उन्होंने काम कर दिया, कोशिश तो करी है लेकिन यहाँ कामयाब नहीं हो पाए, और उसके बाद जब वहाँ कामयाब नहीं हुए तो यहाँ आकर, और ये जो गेट है आप देख रहे हैं, ये उस गेट से थोड़ा सा हल्का पड़ गया, इसको कैसे किया जी? इसको नीचे से ये लगे, ये नीचे से मोड़ा है, ये ऐसे मिला है, जब सुबह मोड़ा कैसे हो गया नीचे से? वैसे ही मोड़ा हुआ, अंदर की तरफ मोड़ा है हाँ, तो ये कैसे? अब उन्हों ये तो चोरी जान सकते हैं जी, हम लोग तो देखिए ये भी एक बड़ी बात है, इसमें यहाँ संकल लगी हुई थी हाँ। ये संकल पहले ये यहाँ से मोड़ के कोई अंदर गया है, फिर वो अंदर से संकल खोली हुई है। अच्छा जी, देखो कि मोड़ा भी कैसे है, किस तरीके से, और कहीं ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा कहीं तोड़ फोड़ भी की हो, पर ये गेट का निशान ही नहीं है कोई, पर ये गेट कैसे मोड़ा ये एक बड़ी बात है, और लोहे का गेट है, ये आप देख रहे हैं खुल नहीं रहा आसानी से, और ये पूरा गेट मोड़ दिया। गेट मोड़ने के बाद इसमें अंदर घुसे हैं, और अंदर घुसकर इनकी दुकान से भी, साड़ी की दुकान है आखिर इनकी, इनकी दुकान से भी, इनकी दुकान से भी पैसे लेके गए, सॉरी कपड़े कुछ नहीं ले गए, पैसे लेके गए, मतलब दोनों दुकानों में ये देख सकते हैं, हालांकि कपड़े कंबल सब कुछ था लेकिन कुछ, और सबसे बड़ी बात फरीदाबाद की इन दोनों दुकानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिससे कि उनका पता लग सकता कि आखिर वो कौन थे और कितने थे, वो कह पाना मुश्किल है, लेकिन बड़े साते तरीके से दोनों दुकानों में गल्ले साफ कर गए, और कुछ पता नहीं लग रहा। और हमारे साथ नितिन सिंगला जी भी हैं, इनसे बात करेंगे। सिंगला जी, बहुत बड़ी चोरी है जी, दो दुकानें साफ करेंगे। देखिए लगातार जो स्थिति आप देख रहे हो, क्राइम रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिस तरीके से अभी आज से कुछ 4 से 5 दिन पहले यहाँ पे ग्रैंड विटारा गाड़ी भी चोरी हुई, और ग्रैंड विटारा गाड़ी चोरी करने वालों की हिम्मत देखो, यहाँ से चोरी करके ले गए, एक जगह रस्ते में मारी, फिर सामने 29 के चौक पे मारी, पुलिस वालों ने उनको मौके पे पकड़ लिया। परंतु जो ये दुकानों में, व्यापारियों की दुकानों में चोरी हुई है, अभी ये बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जैसे जैसे बात फैलेगी लोगों में एक भय का माहौल बनेगा, और लगातार लोग कितनी कितनी सुरक्षा करेंगे। देखिए ऐसे लोगों को, जो ये लड़के हैं जो नशे की हालत में होते हैं और ये दुकानों में घुस के, ऊपर पहले उनकी हिम्मत देखिए, पहले दरवाज़ा जो है वो मोड़ा है किसी रॉड से किसी चीज़ से, उसके बाद दुकान में आए हैं, गल्ला तोड़ा है, गल्ले में से सारे पैसे निकाल लिए, चिल्लड़ तक नहीं छोड़ी, बगल वाली दुकान में गए हैं वहाँ पर चोरी करी है, ये बड़ी हिम्मत की बात है, इससे भय का माहौल है, और व्यापारी क्या करेगा अपनी दुकान की सुरक्षा के लिए, वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम वो सारे इंतियात बरत रखे हैं, लेकिन पुलिस को यहाँ पर सख्ती बढ़ानी चाहिए। ये ओल्ड फरीदाबाद में तीसरी वारदात है पिछले 15 दिन के अंदर, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारी तो फरीदाबाद पुलिस से यही मांग है कि ओल्ड फरीदाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पुलिस की सुविधा प्रोवाइड की जाए, व्यापारियों के बीच में एक माहौल ऐसा हो कि वो सुरक्षित है। सिंगला जी, ये भी एक बड़ी अजीब सी चोरी थी, कि वैसे तो लोग आते हैं शटर तोड़ते हैं, ताला तोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसमें तो पता ही नहीं लगा, वो ऊपर टीन से आए हैं, चादर जो पड़ी है वहाँ ऊपर से आए, और उस वाली दुकान का जो गेट खोल के ऊपर जो लकड़ी की सीढ़ी लगी थी, उस सीढ़ी से चढ़कर ये बीच वाली जो दुकान बच गई है, इसका गेट मजबूत था, इसमें भी कोशिश करी, हालांकि उन्होंने निशान थे दुकान उसमें गेट में, और उसके बाद इस वाला गेट को उन्होंने नीचे से अंदर से मोड़ दिया, पता नहीं कैसे। देखिए जो चोर होते हैं ना, उनके दिमाग में एक सनक होती है कि उनको अपना टारगेट अचीव करना है,
वो तो रात को निकले थे, जिसकी दुकान बच गई। मुझे तो लगता है कि रात को अगर और भी दुकानों के गेट उन्होंने ट्राई करे हैं तो ज़्यादा बड़ी वारदात हो जाती, लेकिन ये भी कम बड़ी नहीं है। 85,000 रुपये एक दुकान में से गए हैं, 15,000 से 20,000। बात पैसों की नहीं है, बात इस बात की है कि इससे बड़ा भी हादसा हो सकता था। और ये तो चलो कपड़े की दुकान है, अगर किसी सुनार की दुकान होती उसका कितना नुकसान हो जाता। देखिए मेरी बात को समझिए, जो सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा के जो इंतजाम आते हैं वो लोकल पुलिस की ड्यूटी बनती है और उनको करने चाहिए, और फरीदाबाद पुलिस को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गश्त बढ़ानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुविधा यहाँ पे पुलिस की करनी चाहिए, और शहर के व्यापारियों को माहौल अच्छा देना चाहिए। और नितिन जी, जो दोनों दुकानें, दोनों दुकानों में कैमरे नहीं थे, दोनों दुकानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जिससे कि पता लग सके कि आखिर कितने लोग थे और कौन थे। देखिए उसमें हम व्यापारी भाइयों से आग्रह करेंगे कि वो भी अपनी दुकानों के अंदर कैमरों की सुविधा रखें और सुविधा प्रदान करें, और छोटी मोटे जो उनसे एहतियात बरते जा सकते हैं उनकी वो सुविधा जरूर रखें, कैमरों की, चौकीदार की सुरक्षा जरूर रखें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी फरीदा पुलिस को ओल्ड फरीदाबाद का माहौल सही करना चाहिए, इस समय माहौल थोड़ा सा भयहीत है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों दुकानें थी जो आपको दिखाई, और दुकान वालों को पता ही नहीं था कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है, उनके गल्ले साफ कर दिए, क्योंकि बाहर से ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई शटर टूटा था, ना कोई ताले टूटे थे, कोई चीज़ बाहर से ऐसा नहीं था जिससे कि उन्हें पता लगता। जब वो सुबह शाम को अपनी दुकान बढ़ाकर गए और सुबह जब दुकान खोली है, खोलने के बाद अंदर पता लगा कि गल्ले तोड़े गए हैं और पैसे उनसे गायब हैं दोनों दुकानों में। हालांकि बीच में जो दुकान है उसके ऊपर भी ट्राई करा था, उसका गेट मजबूत था इसलिए वो बच गया, लेकिन ये लगातार 2-3 दुकान है इन दोनों दुकानों में ऊपर छत से आकर और गल्ले साफ करके चले गए, और कुछ पता नहीं लगा कि कौन थे, कितने लोग थे, कुछ नहीं पता उनके बारे में। अब पुलिस में कंप्लेंट तो कर दीजिए। कंप्लेंट कर दिया, पुलिस वाले आए थे, वो लिख के ले गए हैं, फोटो खींच के ले गए हैं। तो अभी तो पुलिस देखे आसपास कोई कैमरे लगे हों तो उनसे छानबीन करेंगे कौन था क्या था, वो तो अब पुलिस अपना काम करेगी जी। पुलिस का काम, क्योंकि सामने मंदिर में भी कैमरा है, मंदिर में कैमरा है पर वो आधा रोड कवर करता है, पूरी दुकान इधर किसी दुकान के लगा हो तो कहीं पता लगे थोड़ा बहुत भी, वो दुकान का लगा हुआ है पर वो सामने का है, वो ऊपर से आए हैं तो ऊपर का वो कवर नहीं करता है कोई भी कैमरा, बड़े साथिर तरीके से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सोच समझ के तरीके से काम किया गया है। अब इसमें तो यही नहीं कह सकते कि हम कितने लोग थे, कैसे आए, कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या, कुछ कहा नहीं जा सकता, और कितने बजे घटना ये भी नहीं कह सकते, तो कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। लेकिन सुबह जब दुकान खोली तो दुकानदार के होश उड़ गए कि उनके गल्ले साफ हैं, पैसे नहीं है गल्लों में। अब पुलिस को कंप्लेंट दे दी है, देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। योगिंदर इस पर टैग कर देना।